चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना? ठीक है, मॉड्यूल 3 के 3 क्वेश्चंस हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए थे और सेशन रीजन कर लिया था. अभी फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम. मॉड्यूल 3 यूनिटरी मेथड फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी. अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले तो मुझे इस बात का मतलब समझाना है. व्हेन आई से 68 किलोमीटर पर आवर, आप लोग जब गाड़ी में पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हो, आपने कभी स्पीड लिमिट देखी है? रोड पे होता है कि इतन 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकते, या 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर जाओ तो चालान हो जाता. हुआ कभी किसी के साथ? किसी ने कभी नोटिस किया? विद गो ऑन हाईवेज, देखा कई बच्चों ने नोटिस किया. मुझे सबसे पहले ये बताओ इसका मतलब क्या है. व्हेन आई से कि आप 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जा सकते, इस बात का मतलब. हाँ जी, कौन समझाएगा? माइक के पास आके, माइक के पास आके कौन समझाएगा मुझे? कौन से सेक्शन से कौन आएगा माइक के पास सब समझाएगा? इफ आई एम सेइंग आई कैन नॉट मूव एट अ स्पीड ऑफ एट अ स्पीड मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर, इस बात का मतलब क्या है बच्चों? कि मेरी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि मैं 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करूं. 68 किलोमीटर यहां पर अगर मैंने दिया 68 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स आई एम कवरिंग 68 किलोमीटर्स इन 1 आवर. 1 घंटा अगर मैं कार ड्राइव करूं तो जितना डिस्टेंस मैं कवर करूंगी वो कितना होगा? 68 किलोमीटर्स. सो इफ आई से 80 किलोमीटर पर आवर मीन्स इन 1 आवर आई हैव टू कवर 80 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. ठीक है जी. अब मेरे से पूछा क्या गया, हाउ फार विल इट गो इन 15 मिनट्स. यहां पर एक बात, ये डिस्टेंस कवर बोला गया 1 आवर में और मेरे से पूछा जा रहा है 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट. इसका मतलब ये 68 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं कितनी देर में कवर कर रही हूं? 15 मिनट्स और मुझे निकालना कितने मिनट का है? यूनिटरी मेथड के हिसाब से पहले मैं क्या निकालूंगी कि मैं 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करूं? यस बताओ जी क्या करें. 60 मिनट्स में आई एम कवरिंग 68 किलोमीटर्स. So, 1 मिनट के लिए मुझे 68 को 60 से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? डिवाइड. डिवाइड अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ये पूरा पूरा कैंसल हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा. कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं. हमने 1 मिनट का निकाल दिया, अभी यहाँ पर कैंसिल नहीं करते, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, ये बात समझ में आई? अब कितने मिनट का निकालना है मुझे? 15 मिनट का. 15 मिनट्स क्या करें, 15 मिनट के लिए ये जो 1 मिनट वाला निकाला था इसको 15 से मल्टीप्लाई, यही कर रहे थे हम. ज्यादा का पता हो, 1 का निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, 1 का पता है ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने 60 मिनट्स में कवर किया 68 किलोमीटर्स, इसका मतलब 1 मिनट में कवर करेंगे 68 डिवाइड बाय 60, एंड इन 15 किलोमीटर्स आई मल्टीप्लाई दिस 1 मिनट वाला डिस्टेंस विद 15. अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो जरा. 15 के टेबल में क्या 60 आता है? कहाँ पर आता है? फोर इसका मतलब अब मुझे 68 को 4 से डिवाइड कर देना है. 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. तो कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने 15 मिनट में? 17 किलोमीटर
17 किलोमीटर्स। दोबारा देख लेते हैं, मुझे कहा गया था माय स्पीड इज 68 किलोमीटर्स पर आवर। इट मींस इन 60 मिनट्स आई वॉज कवरिंग 68 किलोमीटर्स 1 मिनट के लिए। मैंने इसको अभी कैंसिल आउट नहीं किया, मैंने ऐसे ही रहने दिया। अगर पूरा पूरा कैंसिल हो रहा था अभी तक जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए, या नहीं हो रहा तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर 15 मिनट के लिए निकालना था तो मल्टीप्लाई करना है 15 4 60, और 4 से 68 को कैंसिल करो तो 17 4 68, सो आंसर इज 17 किलोमीटर्स। नाउ टेल मी एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन। जिसको समझ में नहीं आया है वो जल्दी से बता दो। और ये चीज जब आप अभी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, स्पीड का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, वहां पर भी आपको काम आएगा। तो ध्यान से देख लो, जिसको समझ में नहीं आया है वो माइक के पास आ जाए और मेरे से पूछे। क्या स्टेप समझ में नहीं आया है वो भी बताओगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी वापस। सबको समझ में आ गया? चलो जी फिर। अगर अच्छा, अब अगर मैं यहां पर कहूं कि 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रही हूं, हाउ मच, नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, आई से हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स, तो आप आंसर क्या करेंगे? ऐसे हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। 6A से हाथ खड़ा हुआ है मिडिल रो में से, आ जाओ बच्चे। ये द गर्ल सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, हाँ आ जाओ बच्चे। मैम 68 मल्टीप्लाई बाय 2। बिल्कुल ठीक है, 68 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्योंकि अब मुझे 1 आवर, यूनिट का तो पता ही है कि 1 घंटे में 68, 2 में करने के लिए कम का पता है, ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होता है। 8 2 16, 6 2 12 एंड 1 कैरी, सो 136 किलोमीटर इज द डिस्टेंस विच आई एम गोइंग टू कवर इन 2 आवर्स। चलिए जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहां कहा गया अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। हाँ, अब ये नहीं पूछा गया कि वो 10 घंटे में कितना चलेगी, या 12 घंटे में कितना चलेगी, या 8 घंटे में कितना चलेगी, ये नहीं पूछा मुझसे। अब मुझे डिस्टेंस दे दिया गया, पूछा गया कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। मुझे दिया है एक कार है जो 228 किलोमीटर चल रही है 3 आवर्स। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया 68 किलोमीटर चल रही है 1 आवर में, तो 3 घंटे में निकालने के लिए या 2 घंटे में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहां पर जो मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि 912 किलोमीटर चलने के लिए टाइम कितना लगेगा। थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। तो सबसे चलना हमें यूनिटरी मेथड से है, तो हम क्या करें? सबसे पहले क्या हम यहां पर ये निकाल दें कि अगर 3 आवर्स में 228 किलोमीटर चला तो 1 आवर में कितना चलेगा? निकाल दें? कैसे यस, निकालोगे 1 आवर के लिए? बिल्कुल 228 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, ज्यादा का पता हो, कम का निकालना हो तो डिवीजन करते हैं, हमें मालूम है। बताओ जरा, कैलकुलेट करो कितना आएगा। 76 किलोमीटर। इन 1 आवर आई एम ट्रेवलिंग 76 किलोमीटर्स, और मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 912 किलोमीटर। नाउ आई से 76 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 1 घंटा लग रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए मैं क्या करती हूँ? डिवीजन। ज्यादा पता हो, और अब मुझे कितने बताना है? 912, तो 1/76 × 912। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मुझे यहां से ये बात समझ में आ गई कि 76 किलोमीटर अगर मुझे चलना है तो मुझे 1 घंटा लगता है।
मुझे बताना है 912 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मुझे फिर से यूनिट मेथड पे, 12 बार। ट्वेल्व आवर्स। तो मैंने पहले 1 किलोमीटर का निकाल दिया। जब ज्यादा पता हो, कम पे जाना हो, तो डिवीजन करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। 1/76, हमने इसको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर 912 किलोमीटर पूछा गया, तो 912 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 912 को जब आप 76 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे आंसर बताया जा रहा है, आ रहा है 12। देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अभी तक की उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। जिसको दिक्कत है वो पूछ सकता है। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। दो पार्ट्स में हमने क्वेश्चन किया। पहला, मुझे दिया गया था कि 228 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटे लग रहे, तो मैंने क्या निकाल दिया कि 1 घंटे में मैं कितना डिस्टेंस चलूं, क्योंकि मुझे तो यूनिटरी मेथड ही आता और तो पता कुछ नहीं। तो वन वन यूनिट पे हम चलना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि 1 घंटे में चलेगा 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर के लिए 1 आवर, मुझे बताना था 912 के लिए, तो फिर से मुझे 1 किलोमीटर का टाइम निकालना पड़ा। ज्यादा के लिए टाइम पता था, कम का निकालना है, तो डिविजन हो गई। सो 1 किलोमीटर 1/76 आवर्स में चलेगा, 912 निकालना था, सो 912 से मल्टीप्लीकेशन करती। बताइए जी, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते। पक्का? क्योंकि जो हम केस स्टडी करने वाले हैं वो भी इसी स्पीड बेस्ड ही सारा क्वेश्चन है। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। चलिए जी, ठीक है। अगर सबको एमसीक्यू समझ में आ गया, सेशन रीजन पिछली क्लास में हमने कर लिए थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, जहां तक मैथ्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का सवाल है, ये कुछ डिफरेंट नहीं होता। जैसे आपको स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दे दी है और उसके बेस पे आपने अब एक नहीं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आंसर कर देने हैं। बस मैथ्स में तो कुछ फर्क नहीं है केस स्टडी में और नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर। वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे आप डील करते थे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट से आप पहले दिमाग में सोचोगे कि करना क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। बस इतना ही काम करना है हमने इसमें। ठीक है जी, जरा पढ़ते हैं क्या कहा गया। सुमित परचेज्ड अ न्यू कार विच ट्रेवल्स 90 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। आप जरा ध्यान। एक बार हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मेरे पास क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स। 3 आवर्स। क्लास 6 जी, हाँ जी, बोलो, थ्री बताओ। मिनट्स 3 मिनट? क्लास 6 जी, 3 मिनट्स। ना बेटा, 3 मिनट तो नहीं मुझे लगता आएगा आंसर। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बेटा आपने। देखो जरा कहाँ गड़बड़ किया, क्लास 6 पता से कर ए लेंगे। पार्ट मैम, ए ए पार्ट ए मैम, पार्ट ए होगा। पार्ट मैम, बी पार्ट मैम, ए पार्ट ए ए पार्ट भी ठीक है और बी भी ठीक है। अब देखो जरा कैसे, ध्यान से देखना। देखो जी, 90 किलोमीटर चलने को 3 घंटे लग रहे थे, तो 1 किलोमीटर के लिए क्या करना है मैंने? डिवाइड। बड़ा सिंपल, हमने समझ लिया है, ज्यादा का पता हो, कम का निकालना है, तो डिवाइड करते हैं। बस इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। जब 3 और 90 को डिवाइड करेंगे तो 1/30 आवर्स। ये है मेरा ए। यहां तक सबको समझ में आया? बी जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है मिनट में। बी ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन क्या दे रखे हैं? मिनट्स में दे रखे। अब जरा सोचना, क्लास 6 में वन अपॉन 30 आवर कितने मिनट के बराबर हुआ? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? 1 आवर में वो डिवाइड डिवाइड करते हैं। अच्छा डिवाइड बेटा, अगर मैं पूछू 2 आवर्स
कितने मिनट के बराबर होते मैम हैं? सिक्स्थ ए बी पार्ट। बी पार्ट इज करेक्ट बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। मैं कहूं 2 आवर्स, 2 आवर्स कितने मिनट्स के बराबर हैं, कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, आवर्स को अगर मिनट्स में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो यहां पर है 1/30 आवर, मिनट में लेके जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई, जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या बन गया? 2 मिनट। इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और ए भी करेक्ट हो गया, तो फिर आंसर क्या बना? डी बन जाएगा, बोथ ए एंड बी। ई ऑप्शन। देखो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले 90 किलोमीटर 3 आवर्स में ट्रेवल हो रहा था, 1 किलोमीटर का निकालना है। मुझे मालूम है ज्यादा का पता हो, यूनिट पे जाना हो, डिवीजन कर देते हैं। डिवाइड किया तो 1/30 आवर्स, मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। लेकिन बी और सी ऑप्शंस में मेरे को मिनट में आंसर दिए हुए हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मालूम है 60 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2 मिनट, मतलब कि बी ऑप्शन। ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, और दोनों को इकट्ठा करके डी ऑप्शन में मुझे दे रखा है बोथ ए एंड बी। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, ध्यान से समझ लो आंसर डी कैसे बनाया, ये बात भी समझ लो, दोनों ए और बी आंसर्स कैसे आए वो भी समझो, और जहां डाउट है वो पूछो। यहां पर दो बातें हमने करी, 90 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटे लग रहे थे, 1 किलोमीटर ज्यादा का पता हो कम का निकालना हो डिवीजन करते हैं, 3/90 कैंसल आउट किया 1/30 आवर्स। अब आपको ये भी पता है कि जब मैंने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पता ही है आपको, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, सो 60 से मल्टीप्लीकेशन। जब 1/30 को 60 से आपने मल्टीप्लाई किया और कैंसिल आउट किया तो 2 मिनट। अब ये ए ऑप्शन दे रखा है, ये बी दे रखा, अब दो आंसर तो मैं मार्क नहीं कर सकती, मुझे तो एक ही आंसर मार्क करना है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने डी आंसर मार्क किया, क्योंकि डी में क्या दिया था, बोथ ए एंड बी, दैट्स व्हाई आई मार्क द आंसर एज बी। अभी भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो जल्दी से पूछ लो बच्चों, शाबाश जल्दी से। एनीबडी फ्रॉम एनी सेक्शन, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट वी हैव डन यू कैन आस्क। सबको समझ में आ गया? इंटेलिजेंट बच्चे हो भैया, आगे बताओ फिर। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर्स? वन आवर, बिल्कुल ठीक है जी। आधा काम तो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, हम निकाल चुके हैं कि 1 किलोमीटर चलने के लिए 1/30 आवर्स लगते हैं। अब 30 किलोमीटर निकालना है, एक का पता कम का पता है, ज्यादा का निकालना है तो हमें पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आवर। और अगर मैंने मिनट्स में आंसर पूछा होता फिर आंसर क्या करते? मैम मल्टीप्लाई किससे किससे मल्टीप्लाई करते? मैम सिक्स 60 से, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 1 आवर की बजाय मैं आंसर क्या करती, 60 मिनट। मिनट तो समझ में आ रहा है कुछ? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर कर दो। 60 किलोमीटर व्हाट पार्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 आवर्स? 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा? मैं बिल्कुल देखो, 60 किलोमीटर जी बी बिल्कुल पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल, थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 किलोमीटर।
देखो एक से दूसरा क्वेश्चन कैसे रिलेट हो रहा है। पहले क्वेश्चन में जो हमने 1/30 आर निकाला था 1 किलोमीटर का, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 घंटा। अब मुझे पता चल गया 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर हो रहे हैं, मेरे को कहा गया 2 घंटे में बताओ, तो 30 × 2 मैंने कह दिया 60 किलोमीटर। पिछले क्वेश्चन के आंसर्स को हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते जा रहे हैं। इस ये है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सिक्स के। जी थर्ड पार्ट बी आंसर बी आंसर है 1.5 आवर्स। अब जरा ध्यान से देख लो, सारा सारे ऑप्शन ध्यान से देखना, पहले चलो आंसर बताओ। मैं 60 डी पार्ट, चौथे का आंसर मैं आएगा नॉन जो ए को कह रहे हैं। चलो मैम बेटा ऑल एग्जैक्टली ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। जो चौथा पार्ट है उसका आंसर बन रहा है डी। जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मुझे कहा गया हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 45 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर के लिए 1/30 आवर्स लग रहे थे, मुझे क्या निकालना है 45 किलोमीटर्स के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 45 से। अब ये दोनों चीजें किसके टेबल में आती हैं, फाइव सिक्सा फाइव नाइनजा, फिर थ्री के टेबल में 3 2जा 3/2 आवर्स। ये बात समझ में आई है सभी को? चलिए यस 1 किलोमीटर चलने के लिए 1/30 आवर्स लग रहे थे, मुझे पूछा गया 45 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगाऊंगा। 1 किलोमीटर का पता है, ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया, जब कैंसिल आउट किया तो 3/2 आवर्स। अब हम जरा अपनी ऑप्शंस को देखते हैं। 3/2 आवर्स को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, आता है कन्वर्जन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर? हाँ आते जी हैं मैम, वन पॉइंट फाइव थ्री आते को 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, ठीक है जी, 3 − 2 1, फिर 1 2 से छोटा हो गया तो डेसिमल लगा के 0 2 5 जा 10। इसका मतलब 3/2 आवर्स इज सेम एज 1.5 आवर्स। ये बात ठीक है? इसका मतलब 1.5 आवर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब एक ऑप्शन दे रखा है मिनट्स में, 3/2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी पीछे हम करके हटे हैं, दो से कैंसिल कर दें तो क्या आ गया 90 मिनट्स आ गया। 90 मिनट्स 1.5 आवर, ये दोनों मेरे पास आंसर होगा। अब ए ऑप्शन देखो, 1 घंटा 30 मिनट, क्या 1 hour 30 minutes is also same as 90 minutes? एक घंटे में 60 मिनट और 30 मिनट और ऐड हो गए तो टोटल कितने बन गए, 90 मिनट। 20 मिनट्स इसका मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गई, ए बी बी सी डी। यस तो आंसर क्या लिख दिया हमने, ऑल ऑल ऑफ द अबव। दोबारा समझ लेते हैं। ऑफ डी बिल्कुल जी, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपके पास है डी। क्यों है, इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। यहां पर देखो आपने यूनिटरी मेथड तो लगाया ही, उसके साथ साथ कन्वर्जन भी हो रही है यूनिट्स की, मिनट को आवर्स में ले जा रहे हो, आवर्स को मिनट में लेके जा रहे हो, सारे काम कर रहे हैं। ध्यान से देख लेना क्या किया हम। सबसे पहले 1 किलोमीटर को 1/30 आवर्स लग रहे थे, 45 किलोमीटर्स के लिए पूछा गया, 1 का मालूम है, ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई किया 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे पता है आर को मिनट में ले जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई,
जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90 मिनट्स। एक ऑप्शन मेरे पास 90 मिनट्स की पड़ी है, और जो पहली ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो है 1 आवर 30 मिनट्स। मुझे मालूम है 1 आवर इज 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, इसका मतलब 90 मिनट्स। इसका मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और 90 मिनट वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तीसरा मुझे डेसिमल में दिया है, 3/2 को अगर डेसिमल में लेके जाना है तो 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया, 1 0 ले लिया तो 2 5s are 10, 1.5 hours। इसका मतलब जो मुझे आंसर दिए हैं, ए आंसर 1 आवर 30 मिनट्स, बी आंसर 1.5 आवर, सी आंसर 90 मिनट, तीनों एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ लिखने का तरीका मैंने अलग कर दिया, बात एक ही कही जा रही है, इसीलिए मैंने अपना आंसर क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया मैंने सी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। ध्यान से देख लो पूरी केस स्टडी, जौन सा भी क्वेश्चन, जौन से भी ऑप्शन, कोई भी पॉइंट जो नहीं क्लियर हुआ हो तो वो बता दो पहले। शाबाश, जल्दी से देखना जरा, और जहां पर भी कोई डाउट है तो वो बताना है आपने मुझे। मॉड्यूल 3 में कोई सा असर्शन रीजन, कोई सा एमसीक्यू, केस स्टडी का कोई सा क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर है बच्चों, जिसको भी नहीं क्लियर है वो माइक के पास आ जाओ और मुझसे पूछो। शाबाश, जल्दी से। सबको सब कुछ समझ में आ गया है? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो फिर ऐसे करते हैं, अगले के लिए। हाँ जी बोलो बेटा, बोलो। मॉड्यूल 3 का मैम फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, हमारा आंसर में 15 आया था। 15 आया था पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू ना? ठीक है सर। देखो जी, क्या किया है ये अब आपने मुझे बताना है। ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट गो इन 15 मिनट्स। लो जी, हमें कहा गया कि 60 मिनट में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में जा रही है 68 किलोमीटर्स। तो बेटा 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करूंगी? बहुत अच्छा, 1 मिनट का निकालने के लिए 68 को 60 से डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं? डिवाइड। लो जी, कर दिया। अब 1 मिनट का पता है और 15 मिनट का निकालना है तो क्या करूंगी अब? मल्टीप्लाई लो जी, कर दिया मल्टीप्लाई। अब 15 और 60 में क्या नंबर कॉमन दिख रहा है? 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, किससे कैंसिल करूं बोल बेटा? किससे? इन दोनों को कैंसिल करूं, किसको कैंसिल करना है पहले बता, आपने कैसे किया वो बताओ। 68 और 60 को कैंसिल किया, बोल बच्चे क्या कैंसिल किया? ठीक 68 और 60 को है जी, किससे कैंसिल किया ये भी बता दो। 5 टू से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, किससे किया? 5 से, 68 5 से किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड होने के लिए उसके एंड में क्या होना चाहिए, या 0 या 5? अब देख बच्चे, ध्यान से देख लीजिए, 15 और 60 दोनों आपके पास, मैं अगर 5 पे कैंसिल कर दूं तो 5 3 15, 5 1 5, 60 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 5 2 10, 12 आ गया। मैम यस आप अब 3 और 12 को कैंसिल करें तो 4 आ गया। पर
अब 4 को 68 से कैंसिल करोगे तो 68 को 4 से कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 2 8 4 7 जा 28, तो मेरे पास आंसर 17 किलोमीटर बनेगा। अपनी गलती देखो कहां पे करी। नहीं आया समझ में बच्चे कि नहीं? ठीक आज है जी। और कुछ? नहीं। अगले मॉड्यूल पे चलें फिर। अगले मॉड्यूल का हम पहला एमसीक्यू देख रहे हैं, जरा फटाफट आंसर बताओ। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, अब जल्दी से आंसर निकलना चाहिए। मैम जिस 6th जिस डी पार्ट, 7th जिस जिस जिसका आंसर आ गया हाथ खड़ा कर दो फटाफट फटाफट। डी पार्ट किस किसका आंसर आया है? ई में से, ए में से हाथ खड़े हो गए हैं, एफ में से भी हो रहे हैं, सी में से कोई हाथ नहीं खड़ा है। चलो कर लो अभी, करो 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 पहले, जिनका आ गया अच्छी बात है, बाकी ट्राई करो जल्दी से। शेली बॉट अ डजन पेन्स फॉर ₹144। डजन, डजन में कितने होते हैं? हाथ ट्वेल्व नीचे कर लो सारे। 1 डजन इज सेम एज 12। इसका मतलब 12 पेन के लिए ₹144 दिए, तो एक पेन के लिए 144/12। ट्वेल्व लो जी बताओ, पहले तो कैंसिल आउट करके क्या आएगा? 1 पेन की कॉस्ट ट्वेल्व 144 को अगर मैं सीधे से 12 से ही डिवाइड कर दूं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसका मतलब 12 रुपीज में मुझे क्या मिल रहा है? वन 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 पेन वन पेन, तो पेन 1 रुपए में 1/12। और मेरे पास कितने हैं? हाउ मेनी डू आई हैव? 84। यस तो क्या करें, 1/12 को 84 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 84 को अब मैंने 12 से डिवाइड कर देना है, तो 12 के टेबल में 84 कहाँ आता है? सेवन तो हाउ मेनी पेन्स कैन आई बाय? आई कैन बाय सेवन सेवन पेन्स। दोबारा देखो, 1 डजन पेन्स के लिए मैंने 144 रुपीज पे किए, मतलब एक पेन के लिए 12 रुपए पे किए। अगर मेरे पास 12 रुपए थे तो मैं एक पेन ले पा रही थी, 1 रुपया है तो 1/12। ऑल तो 1/12 पेन का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मुझे यूनिटरी मेथड से जाना है तो मुझे एक का निकालना ही पड़ेगा। अब 1 रुपए में इतने आते हैं, 84 का निकालना है तो कम का पता हो ज्यादा का निकालना हो मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको 84 को 12 से सीधे सीधे डिवाइड करने में प्रॉब्लम है, तो आपको दिख रहा है 2 से डिवाइड हो जाता है, छोटे नंबर से शुरू कर लो, 2 6 जा 2 4 जा 2 2 जा। नेक्स्ट का 6 आर्स अब 6 का टेबल तो सभी को ही आता है वैसे तो, है ना? सिक्स यस सेवन जा, वैसे तो 12 का टेबल भी आता है आप लोगों को, ऐसी तो बात नहीं है। 12 के टेबल में भी आपको पता चल ही जाता सिक्स्थ है। ए सेवेंथ बी पार्ट अच्छा जी, आगे 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 चलते जा रहे हैं। बी पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। पहले ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? 6 वाला, यस एनीवन हु इज नॉट एबल टू गेट डेट, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम तरीके से 7th वाला करना है आपने। सिक्स सेवन सिक्स एट सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है। सिक्स्थ की 7th क्वेश्चन डन ओके जी, 6th भी 7th क्वेश्चन डन, आंसर भी बता दो। 6th भी 7th क्वेश्चन, 6th डी 6th D। ओके, 6th D से 7th क्वेश्चन डन। व्हाट इज द आंसर फॉर 7th क्वेश्चन? पार्ट 5 आवर्स ना भैया, मेरे को तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है। हाँ, ई वाले कह रहे हैं 6 आवर्स, 6 ई वाले कहते हैं आंसर है 6 आवर्स। 6 आवर्स किस किस का आंसर आया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर इन 6 आवर्स?
सिक्सटी हाँ बहुतों का आ गया, पर बहुतों का नहीं भी आया है। बहुत फोर। बढ़िया, चलो चलो एक बार दोबारा ट्राई करो, जिस जिसका नहीं आया एक बार जरा दोबारा ट्राई करो, क्योंकि आपको बात समझ तो आ गई है, अब आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन में गलती कैलकुलेशन है। फिर से वही बात, 8 घंटे में 960, तो 1 आवर में करने के लिए क्या करना है, बार बार एक ही बात करी जा रहे हैं, डिवाइड करना है। 960 को 8 से डिवाइड करके क्या आएगा, 120 120 120। 960 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 1 8, 1 रिमाइंडर 6, 8 2 16, 0, तो फिर 120, मतलब 1 आवर में आई कैन फिल 120 बॉटल्स। अब अगर मेरे से पूछा जाता कि 2 घंटे में कितनी फिल हो जाएंगी, तो मैं सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देती। 5 घंटे में पूछा होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देती, लेकिन अब उसने थोड़ा सा उल्टा काम पूछ लिया मेरे से। अब उसने पूछ लिया 720 बॉटल्स को फिल करने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ता, तो अब क्या करूं, 120 के लिए 1 आवर, तो 1 के 1/120, पूछा कितने का है 120 बेटा, 720 का पूछा कि 720 बॉटल्स के लिए कितना टाइम लगाना पड़ेगा, तो 1/120 को 720 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कैंसल, 72/12, 12 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है, 6। तो आंसर क्या हुआ, सिक्स 6 आवर्स, 6 आवर्स। ठीक है जी, देख लो, जिसको कोई दिक्कत है तो पूछो। का 10,000। नेक्स्ट का 10,000। एक काम करो फिर, 8 9 10 तीनों सॉल्व कर लो, फिर मैं जरा हैंड रेज करवा के पूछती हूँ, क्योंकि अभी दिक्कत कुछ बच्चे कर ही जा रहे हैं और बाकियों को नहीं भी समझ में आ रहा है, मुझे समझ पता चल रहा है मुझे ये बात। 8 9 10 तीनों सॉल्व कर लो जरा जल्दी पहले। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, 8 9 10, ऑल 3 क्वेश्चंस जस्ट सॉल्व इट, देन आई विल आस्क, जिससे पूछूंगी सिर्फ वही आंसर बताएगा। I'm done question number 8, 9, 10। ऑल थ्री किसने कर लिया है, 8 9 10 ऑल थ्री, 6E से 6E से 2 3 बच्चों ने कर लिए हैं, बाकी जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, 6F से भी कर, गुड गुड, 6F। हाँ जी, 2 मिनट और दे रही हूँ, बाकी करेंगे।
हाँ जी, सिक्स एफ सिक्स एफ से कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर एट का आंसर? मैडम किसी को भेज दीजिए प्लीज, और माइक आपका ऑन कर लीजिए। हाँ 6th F, 8th answer 10,000। एट का आंसर डी। चलिए जी, ये सिक्स से आंसर आया है सीट पर जी। अब सिक्स सी में से, नहीं सिक्स ई में से, सिक्स ई में से 9th क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे? आ जाओ, दिस गर्ल मिडिल रो सेकंड बेंच। हाँ बेटा आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। एटीन बनाना 18 बनाना, मतलब से बी आंसर। ये हमने पूछा सिक्स किससे? ई से, है ना? ठीक है जी, अब मेरे को बताना है सिक्स बी में से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन बताएगा? सिक्स बी में से, सिक्स्थ बी में से क्वेश्चन नंबर 10 किसने कर लिया है? डूइंग। ओके ओके, डू 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 डू, जब हो जाए तो मुझे बताना। सिक्स एफ में से कर लिया बहुतों ने, चलो सिक्स ए से आंसर ले लेते हैं सीधे। सिक्स ए में से कौन बताएगा? कोई भी आ जाओ माइक के पास, सेवेंटी जल्दी से आ जाओ सिक्स ए। टू किलोमीटर सी मैम 72 किलोमीटर। नो आंसर, करेक्ट। मैम 6 C 72 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, 22 किलोमीटर। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए हैं हमें कि हमने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब हाँ जी, सिक्स बी हम में से सिक्स्थ बी 72 किलो बिल्कुल ठीक है बेटा, परफेक्ट, 72। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा वो बच्चे जिनका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 10,000 नहीं आया, वो हाथ खड़ा कर। एट का आंसर 10,000 जिसका नहीं आया, आ जा बेटा, ये सिक्स बी में से एक बच्चे का नहीं आया, बेटा माइक के पास आओ और मुझे बताओ किया कैसे आपने क्वेश्चन। देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई है, पहले समझते हैं फिर देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन कहा गया था सिक्स बी में से एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 10,000 नहीं आ रहा है, लेट अस डिस्कस इट। कहाँ पे प्रॉब्लम आई बोल बेटा, कैसे किया सवाल? पहले मैं 45 को मैं मैडी से पढ़ती लग गया था। 45 को क्या 45 किया? को क्या किया? यही तो गड़बड़ कर। पढ़ती मुझे क्या बताना था? मुझे बताना था कि 4,000 kg के लिए कितनी चेयर। तो चेयर मैं पहले तो बता मैं दी, पहले तो क्या करना था बेटा? 18 kg के लिए 45 चेयर्स, मुझे 1 kg का निकालना है बेटा। तो 45 को 18 से डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं 1 का निकालने के लिए? ज्यादा का पता हो, कम का निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? डिवाइड। और अब कितने केजी है? 4,000। एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब समझ में आया बेटा कर रहे थे? सिक्स बी, द स्टूडेंट हु इज नियर द माइक, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लो, कॉपी में करेक्ट करके लिखो। मुझे 4,000 kg के लिए चेयर्स ढूंढनी थी, मतलब पहले 1 kg ढूंढना था। 1 kg ढूंढने के लिए 18 kg में 45 चेयर्स थी, तो 1 kg के लिए 45/18 4,000 के लिए चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 18 बनाना जिसका नहीं आया, आ जाओ माइक के पास। किसी भी सेक्शन में से अगर किसी भी बच्चे का आंसर 18 बनानास नहीं आ रहा है तो कम नियर द माइक, डोंट हेजिटेट। ये नहीं देखना जी उसका आ गया, उसका आ गया, मेरा नहीं आया, नहीं। आपको समझ नहीं आया तो आपने पूछना है, बस बात खत्म। किसी को आया नहीं आया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है।
सबका आंसर आ गया है? नहीं आया है, 6D में से किसी का नहीं आया है, हाथ खड़ा था 6D। हाँ बेटा बताओ, तुम क्या किया बेटा, ये बताओ, ये बताओ मुझे, 6D अपनी वो ले आओ, असाइनमेंट साथ में लेके आओ और मुझे बताओ क्या किया आपने, कैसे सॉल्व किया है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन दिया था द कॉस्ट ऑफ बनाना इज ₹30 पर डजन, ₹30 पर डजन। इफ अ पर्सन हैज ₹45, हाउ मेनी बनानास कैन बी बॉट। तो क्या करूं मैं अब, ₹30 में कितने बनाना ले रही थी मैं बेटा? हाँ जी, हाउ मेनी बनाना इज इन ₹30, 12। 1 डजन का मतलब 12, तो 1 रुपए में कितने लूंगी, 12 को 30 से डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं? 12 12/30, मेरे पास कितने रुपए हैं बेटा, 45 45 1 रुपए में मुझे पता चल गया कि इतने बनाना, तो 45 के लिए इसको 45 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड। बोल बच्चे, 45 से मल्टीप्लाई की डिवाइड, 1 रुपी में इतने बनाना, कम का पता हो ज्यादा का निकालना हो तो क्या करना होता है? लो मल्टीप्लाई जी कर दिया, अब इसको कैंसिल करो बेटा। देखो जी, अगर मैं 5 से कैंसिल कर दूं, 5 6 जा 5 9 जा 6 2 जा, आ गए 18 बनाना बच्चे। हाँ जी, समझ में आया ये? ठीक यस है जी, क्वेश्चन नंबर 10 में किसका आंसर नहीं आया है, 72 किलोमीटर्स। एनी सेक्शन एनी स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू गेट द आंसर एज 72, देन कम नियर द माइक। मैम, हाँ बोलो बेटा। मेरा आंसर मैम 120 चलो पहले बताओ फिर क्या क्या है। है। 360 डिवाइडेड बाय 60। 360/60, ठीक है जी, 60 किलोमीटर में 60 लीटर्स में हम जा रहे थे 360 किलोमीटर, 1 लीटर में जाएंगे 360/60, और निकालना कितने का है बेटा? 12 लीटर तो किससे इसको, 360/60 को 12 से मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई 1 लीटर का अगर मालूम है, कम का मालूम है, ज्यादा का निकालना है, तो क्या करते हैं बच्चे? लो मल्टीप्लाई जी, मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल किया, 6 6 36, 12 × 6 आ गया 72 बच्चे। गलती मिल गई, ठीक यस है जी। एमसीक्यू एमसीक्यूज अगेन अगेन आस्किंग, की कोई दिक्कत हो तो बता दो। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो फिर फटाफट फर्स्ट असर्शन रीजन बताओ। असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू बोथ आर ट्रू और मैम। यस एक दूसरे के करेक्ट रीजन भी बन रहे हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नो नहीं कर तो रहा है, कर मैम। रहा है, सो आंसर ए बनेगा, फर्स्ट असर्शन रीजन का आंसर बनेगा ए। देखो जरा, अ कार ट्रेवल्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं 125 किलोमीटर चलने के लिए 5 घंटे लगे, 1 किलोमीटर के लिए 5/125, और मुझे कितने किलोमीटर जाना है, 200, तो 5/125 × 200, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा, अब 25 और 200 है, 5 से कैंसिल कर देते हैं एक बार दोबारा, 5 5 जा 5 4 जा एंड 0 5 8 जा, मतलब 8 आवर्स, करेक्ट हो गया।
अगले में पूछा गया द स्पीड ऑफ द कार इज 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब बताओ पहले तो, क्या कैसे बताओगे? मुझे दिया था 5 घंटे में कितना चल रही है कार? 125 किलोमीटर। स्पीड का मतलब मुझे कितने घंटे में बताना है? स्पीड का मतलब कितने घंटे में बताना है? 1 आवर में। 125/5 क्या 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरी कार की? यस, यस असम्पशन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, लेकिन कह यस सकते हो, देखो ऐसे क्वेश्चन में आंसर आपका बी ही ले लेते हैं हम, यस उसमें हम उल्टे से जा रहे थे, आंसर विल टेक इट एज बी। ठीक है जी, तो ये बताओ यूनिटरी मेथड समझ में आया है सभी को? अभी यस कोई गलती तो नहीं करोगे क्वेश्चंस करने में? नो चलिए, फोर्थ मॉड्यूल के हमने पांचों एमसीक्यू कर लिए और एक असर्शन रीजन कर लिया, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे। मैम, 6th में से डाउट है मैम, बोलो। एमसीक्यूज का जो 6th, एमसीक्यूज का जो 8th वाला है वो मुझे समझ नहीं आया। तो देखो जी, 8th वाले में क्या था, द वेट ऑफ 45 फोल्डिंग चेयर्स 18 kg, और मेरे से क्या पूछा गया, 4000 kg अगर मेरे पास है तो मैं कितने लोड कर सकती हूँ? मुझे 4000 kg में बताना है, तो मैं इस तरफ क्या करूं, मैं लिख दूं 18 kg है तो कितनी चेयर्स है बेटा? 45 1 kg के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम, 45 डिवाइडेड बाय 18 और कितने केजी के लिए बताना है? तो 4000 4000 से क्या करूं अब? मल्टीप्लाई मैम, लो जी, अब कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है या ये चीज समझ नहीं आई थी? कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है मैम, बताओ जी कैसे आपने किया, हम वैसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 4000। नहीं, आपने कैंसिल कैसे किया, किसको किससे कैंसिल किया ये बताओ, इसको और इसको? 45 को 4000 के साथ दिया 5 45 और 4000 कैसे डिवाइड हो सकते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, इनको कैसे डिवाइड कर दोगे? अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते आप 45 और 18 को डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो? यस ठीक है जी, 18 और 4000 को कर सकते हो, लेट से 2 पे कर देते हैं, 2 9 जा, ये आ गया 2000, 9 और 45 को 9 5 जा, सो आ जाएगा 10000। ठीक है बच्चे, चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द क्लास, बाय बाय। ओके जी, बाय 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 मैम। बाय।